हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फोटोज जो ग्रिड में इंसर्ट करते हैं तो किस किस तरीके से उनको शेप में ला सकते हैं या किस किस तरीके से आप उनको डिजाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हम जैसे वर्ड में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें कुछ फोटो डालनी होती है या कुछ भी लगाने होते हैं, फोटो इंसर्ट करनी होती है, तो हम उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से हम फोटो को इंसर्ट करेंगे। और ठीक है, मान लो फोटो वर्ड पे हमारे या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर आ भी गई, तो फिर हम उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे जिससे कि वो थोड़ा स्टाइलिश लगे या फिर कुछ शेप में कैसे इंसर्ट करेंगे उसे, तो ये सब हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसके लिए मैं आपको आज पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे फोटोज को इंसर्ट कर पाएंगे और उनको अच्छे से लेआउट भी दे पाएंगे। तो क्या करना होता है, फोटो इंसर्ट करने के पहले तो नॉर्मल से तरीके होते हैं, जैसे कि अगर आप किसी शेप में इंसर्ट करना चाहते हैं तो शेप में इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो सबसे पहले शेप बना लीजिए। जैसे मैं ये शेप लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये शेप डिजाइन कर लिया। ठीक है, अभी शेप बनाया। अब क्या होता है कि जैसे हम या तो शेप के अंदर फिल करते हैं, तो शेप में क्या होता है, शेप में अंदर हमें यहाँ पे अंदर की तरफ में फिल करना है। तो क्या करेंगे, हम ये जो शेप का जो एंगल दिखा रहा है, शेप स्टाइल में जाएंगे, जो शेप फिल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें नीचे एक पिक्चर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ हम ग्रेडियंट और टेक्सचर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पिक्चर सेट करना है इसलिए हम पिक्चर को क्लिक करेंगे। हमने पिक्चर पे क्लिक किया, अभी हमें यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप ऑनलाइन पिक्चर करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन, तो हम यहाँ पे ऑफलाइन जो हमारे सिस्टम में फीड है वो लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो फोटो है ये फोटो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करते ही ये देखिए, ये फोटो जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये थोड़ा सही दिखेगा। तो ये आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये आसानी से इसमें फिट हो गई। अगर मैं चाहूँ कि इसको क्रॉप करना है मुझे, तो मैं इसको भी यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पिक्चर फॉर्मेट में गया, इस पे जाने के बाद यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इसको चाहूँ जिस तरीके से भी मुझे क्रॉप करना है इसे, जैसे ये क्रॉप पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो अब मुझे जैसे भी इसको क्रॉप करना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा या फिर बड़ा जैसा भी करना चाहूँ, जैसे मुझे इसको सिर्फ ऐसा ही रखना है, तो मैं सिर्फ इसको इतना सेट कर सकता हूँ। तो जिस भी तरीके से मैं चाहूँ इसको यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। इसके बाद है हमारे पास एक और ऑप्शन कि हम क्या करें, फोटो इंसर्ट करें, इसके बाद हम उसे शेप में फिट करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम इंसर्ट पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाके हम करेंगे पिक्चर। अब यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, यहाँ भी हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से यूज करना है या फिर जो सिस्टम है, हमने सिस्टम की जो फोटो वो उठा लेते हैं। जैसे यही फोटो उठा लेता हूँ फिर से, तो मैंने ये फोटो उठाया, तो अब ये यहाँ पे है। अब मैं ये पुरानी वाली जो फोटो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये फोटो आया, अब यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या, इसको अलग अलग स्टाइलिश कैसे लाएंगे शेप में, शेप में लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यहाँ से हम क्रॉप टू शेप करेंगे, क्रॉप टू शेप करने के बाद हम जिस शेप में चाहें उस शेप में यहाँ से इसे फिट हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको नॉर्मल शेप में कर दूं, नॉर्मल जो इसमें कर दूं, या फिर हमारे पास और भी है तो ये शेप, तो मैं जिस भी शेप में चाहूं इसे यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं इसको यहाँ नॉर्मल पे करता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें, अब आए डिजाइन की बारी, तो यहाँ हम इसमें डिजाइन भी डाल सकते हैं। कैसे, कि यहाँ ये जो है ये हमें यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जो पिक्चर है इसका जो है सेट जो है वो बदल जाता है। जैसे इस पे क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे जो पिक्चर का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन जो है इसकी वो चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं चाहूंगा इसको फिर से चेंज करना, तो मैं दूसरी पे लेके जा रहा हूँ, दूसरा हो रहा है अगले पे, तो अगले, तो ये देखिए अपने आप जैसे ही मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, अब जो मुझे स्टाइल चाहिए मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो ये वही स्टाइल ले लेगा। देखिए अब ये जो पिक्चर, ये मैंने जो स्टाइल सेट किया इसमें, देखिए आप यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इसका इफेक्ट भी नजर आ रहा है कि ये इफेक्ट भी इसमें आप थोड़ा सा डाल सकते हैं अपनी फोटोज में। जैसे ये बॉर्डर लाइन है, ये जो बॉर्डर है ये काफी अच्छी लगती है। जैसे आप नॉर्मल कोई फोटो डाल रहे हो, फोटो डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये बॉर्डर के थ्रू फोटो अच्छे से बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप कितने अलग अलग तरीके से, ये कुछ 3D टाइप की इमेजेस है, यहाँ पे आप ये जो फोटो जो है वो उसको 3D शेप में कन्वर्टेड कर देता है। जैसे ये आया, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये 3D है, इसमें देखें तो इसमें भी ये 3D नजर आ रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के जो है ये बना देता है, जिससे आप इजिली अपनी जो फोटो है उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। आपको जैसे वर्ड में कोई अलग तरीके की फॉर्मेटिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो आप यहाँ से इजिली पिक्चर्स में डाल सकते हैं।
इसके अलावा आप जैसे अगर यहाँ पे जो और कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन या फिर और कोई भी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी फोटो के साथ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप चेंज पिक्चर कर सकते हैं या कंप्रेस पिक्चर है, रीसेट पिक्चर मतलब जिस तरीके की पहले थी उस तरीके की आप कर सकते हैं। यहाँ पे कलर, ट्रांसपेरेंसी, आर्टिस्ट इफेक्ट, तो जिस तरीके की जैसे आर्टिस्ट इफेक्ट में क्या होता है कि आप जिस तरीके के इफेक्ट डालना चाहें उस तरीके के इफेक्ट जो है वो इसमें फीड हो जाएंगे। ये देखिए हम जिधर भी कर रहे हैं तो ये उस तरीके का इफेक्ट ले रहा है, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आप लोगों को वीडियो ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।